हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो लॉक है अगर भूल गए हैं तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं। आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस को आपको ऑफ़ करना होगा। इस तरीके से पावर बटन यहाँ पर है, इसको आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करके वापस से यहाँ पर ऑफ़ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला बटन और ये वाला बटन आपको एक साथ में आपको प्रेस करना होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेस कर लिया है, और थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊँगा। जैसे वाइब्रेट होगा आप ये पावर बटन आप छोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये वाइब्रेट होते ही आपको पावर बटन आपको छोड़ना होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला बटन आ गया। अब इसके बाद ऐसे छोड़ देना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाइप डाटा आपको दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला नीचे वाला ऑप्शन हाथ से ऐसे नहीं कर सकते, पावर बटन आपको दबाना पड़ेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और ये वाला बटन दबा दीजिए, और नीचे जा करके वापस से वॉल्यूम डाउन बटन दबा के स्वाइप ऑल डेटा आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो फटाफट डिलीट होना शुरू हो जाएगा। सक्सेसफुली आपका डिलीट हो चुका है। इस वाले बटन को वापस से क्लिक कीजिए और यहाँ पर री स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए एक बार, और रीबूट पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। इस पर क्लिक करने का जैसे जैसे मैंने आपको दबाया वैसे वैसे आपको क्लिक करना है, और आपका जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रीसेट कर सकते हो। रेडमी का आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो आप उसको रीसेट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको सेटअप कैसे करते हैं। बहुत लोगों को रीसेट करना तो आता है पर सेटअप करना नहीं आता है, तो बहुत ही ये भी अच्छी बात है कि आपको मैं सेटअप करना भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थोड़ा सा फ़ोन को हम इसको यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है MIUI और थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ूंगा तो सही से रीसेट होगा। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बटन वगैरह ये सब प्रेस नहीं करना है। और इस बीच में आपका बैटरी परसेंटेज है, जो कि बैटरी होना चाहिए आपको 30 से ऊपर होना चाहिए तभी ही रीसेट करें, क्योंकि अगर रीसेट करते टाइम अगर आपका फ़ोन ऑफ हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और जब भी आप रीसेट करें तो अपने मोबाइल का बैकअप ले लें, जैसे कि आपका फ़ोटो एंड वीडियो जीमेल पे आप बैकअप ले सकते हैं। ऐप्स वगैरह एज इट इज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जीमेल आईडी दोबारा से इसमें लॉगिन करेंगे तो एज इट इज़ सारा वापस आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। हालाँकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा उसमें, पर आपका जो डाटा हुआ है वो लॉस नहीं होगा, वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है, और सेटअप करना ज़रूरी है। तो जब तक हम इसको वेट करते हैं इसको रख के, ठीक है फ्रेंड्स, जब तक मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सक्सेसफुली हमारा डिवाइस है जो कि रीसेट हो चुका है। अब हम इसको सेटअप करेंगे। MIUI 12 वर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा, 12.5 योर लोन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंट्री अगर आपका इंडिया से बाहर का है तो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर सिम कार्ड के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, वाईफाई सेटअप करने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी स्किप कर दीजिएगा। इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना स्किप बटन, आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो लोकेशन है आपको बंद कर लेनी है, और उसके बाद आपको ये डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उसको ऑफ़ करना है, और यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। ये जो एक्सेप्ट था इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, आप लॉक लगाना चाहते हो तो लॉक को लगा सकते हो, अदरवाइज़ स्किप पे क्लिक कर सकते हो। मैं स्किप कर लेता हूँ, मैं बाद में लगा लूँगा। यहाँ पे बोल रहा है लोकेशन वेबसाइट वगैरह को सर्विस को देना चाहते हो, तो मैं तो नहीं देना चाहता, वापस से वही चीज़ें आ गई। आपको ये बोल रहा है कि आपके स्क्रीन पर ऐड को शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ऐड शो करना चाहते हो तो ऑन रहने देना, अदरवाइज़ मैं तो नहीं चाहता हूँ शो करना, इसलिए मैं ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है।
उसके बाद ये गैलेंस वो होता है जो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसको आप सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये पर्सनलाइज ऐड दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसको तो हमने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। एवरेज सर्विस जो फालतू का है मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पे क्लासिक देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऐप ड्रॉअर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा ऐप ड्रॉअर को इनेबल करें। और यहाँ पे आपको कंप्लीट हो चुका है सेटअप। अब यहाँ पे हम इसको इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लोडिंग ऐप्स दिखाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो हमारा सक्सेसफुली डिवाइस जो कि सेटअप हो चुका है और लॉक भी टूट गया है। यहाँ पे सेटअप कंप्लीट योर रेडी टू रॉक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लोडिंग ऐप्स हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको शुरू में लोड होने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके फ़ोन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आपका डिवाइस है जो कि सक्सेसफुली लॉगिन हो। तो फ्रेंड्स सक्सेसफुली हमारा डिवाइस है जो कि रीसेट हो चुका है और ये लोड हो रहा है। अभी देख सकते हो ऊपर कर रहा हो तो नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस है जो कि लोड हो चुका है और रीसेट हो चुका है, पैटर्न लॉक भी टूट गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई करूँगा।